अब इसमें देख लेते हैं, हम लगभग 7 स्पीसीज हैं, मेलानिया से लेकर अल्बिजिया प्रोसेरा तक को हम इसमें देख लेंगे। इसके अलावा 2 लेक्चर और बचेंगे जिन्हें आज शाम तक वो स्लाइड बन गए, बस प्रेजेंटेशन ही करना है, तो वो भी आज ही हो जाएगा ये कम्प्लीट। अब इसमें पहले देख लेते हैं मेलाना आर्बोरिया, जिसे हम बोलते हैं वाइट टीक। वाइट टीक बोल रहे हैं मतलब एक्चुअली इसकी प्रॉपर्टी जो है वो लगभग ऑलमोस्ट बहुत कुछ हद तक टीक जैसी ही है। तो टीक का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पूरा पूरा साउथ ईस्ट एशिया में है। मैं जैसे आपको बोला म्यांमार में टीक था, इंडिया में टीक है, तो ये पूरा पूरा जो साउथ ईस्ट एशिया है इसमें टीक का डिस्ट्रीब्यूशन है। साउथ ईस्ट एशिया में पूरे में नेम भी फैल रखा है और उसी में ये मेलाना है, तो मेलाना भी पूरे साउथ ईस्ट एशिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। एवरेज वही है, ट्रॉपिकल का है, तो इसकी भी लीफ टीक के टाइप की बड़ी पत्तियाँ होंगी। हाँ एक बात और, जब भी आप इसके साइंटिफिक नेम लिखो उसे हैंड रिटन जब लिखते हैं तो उसे अंडरलाइन किया जाता है, और अगर आप टाइप करते हैं उसे तो उसे इटैलिक किया जाता है। जैसे मैं जब भी करता हूँ तो इसे इटैलिक मिलेगा आपको, इसे थोड़ा याद रखें क्योंकि यह करना रूल ही है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। वो प्रोफेसर के मूड पर रहता है कि वो आपके मार्क्स काटे भी या नहीं काटे, अदरवाइज सीधे सीधे काट लेते हैं। तो पहले तो हम सिवन को देख लेते हैं, सिवन लोकल में बोलते हैं इसे। एवरेज प्रॉपर्टी इसी की टाइप की रहेंगी, एक मीडियम साइज़ का पेड़ है। फैमिली क्या है, तो मैंने बोला वाइट टीक है, टीक की फैमिली क्या है, टीवी टेलीविज़न मींस वर्बनेसी, तो इसकी मेलाना आर्बोरिया की भी फैमिली क्या है, वर्बनेसी। डिस्ट्रीब्यूशन मैंने पूरा बता दिया कि इंटायर जो साउथ ईस्ट एशिया है मींस इंडियन पेनिनसुला जो वाला रीजन है उसमें है, नॉर्थ इंडिया में नहीं होता, लेकिन पूरा साउथ में एमपी से लेकर के एमपी के जो साउथर्न पार्ट है उससे लेकर के पूरा पूरा साउथ में होता है तमिलनाडु तक। दूसरा उधर साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया तरफ भी ग्रो करता है आराम से, इजिली ग्रो करता है। तो इसकी अगर फिनोलॉजी देखा तो एक मॉडरेट साइज का प्लांट है, डेसीडुअस है, ऑब्वियसली टीक डेसीडुअस है तो ये भी डेसीडुअस है। जनरल होता क्या है जनरली कि जो अपना मानसून ड्राउट पीरियड आता है, मानसून तो आएगा जून में, तो ये प्लांटों की जो फिनोलॉजी है, जो स्पेशली जो ट्रॉपिकल के हैं, ये चाहते हैं प्लांट के जैसे जैसे मानसून आए मानसून से पहले तक ये अपने फ्रूट को प्रोड्यूस करके ज़मीन पर ले आते हैं, जिससे कि मानसून का सीधा सीधा ये बेनिफिट उठाए। तो इसके लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा, जून जून जुलाई के समथिंग तक मानसून आते हैं, मतलब इन्हें मई की एंडिंग तक अपने फ्रूट को प्रोड्यूस कर देना होता है, जिससे ये 15-20 दिन की डोरमेंसी को भी झेल लेते हैं गर्मी को, और उसे चल जाता है इनका। तो अगर मई जून में इन्हें सीड जो फ्रूटिंग होनी है तो फिर फ्लावरिंग कब होगी, वही इनकी फ्लावरिंग कब आ जाएगी, लगभग फरवरी के टाइम पे। ये वही पीरियड ये होगा जब इनकी लीव्स ये सेडिंग कर देते हैं, मतलब यूजुअली जो लीव फॉल होती है इसमें वो जनवरी फरवरी के बीच में हो जाता है। हाँ लेकिन सिवन साग में एक स्पेशलिटी है टीक के कंपेयर में, जैसे अपना नीम है ये गर्मियों में हरा रहता है, मतलब गर्मियों में आने के बाद भी पूरे समर में सभी जो ट्रीज हैं वो सूख गए होंगे, लेकिन ये इसमें लीव्स रहेंगी। वैसे ये जो सिवन साग है मेलाना आर्बोरिया, इसमें भी गर्मियों के टाइम पे लीव्स रहती हैं, क्यों, क्योंकि जो होली होती है मार्च अप्रैल का पीरियड होता है, उसी टाइम पे इसमें पत्तियां आ चुकी होती हैं। ठीक है, अब आप खुद सोच सकते हो कि अगर गर्मियों में इसमें लीव्स हैं इसका मतलब इसकी एक एबिलिटी है कि इसका रूट सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि इतनी लीव्स हैं तो इतना ट्रांसपिरेशन करेगा गर्मियों में, तो उसके लिए भी वाटर अवेलेबल इजली कर लेगा। ठीक है आगे चलते हैं, अब देखते हैं इसके सिल्वीकल्चर कैरेक्टर। तो ऑब्वियसली ट्रॉपिकल रीजन का है, मतलब लाइट डिमांडर होगा ऑब्वियसली, इसमें कोई बुराई नहीं है, और मेजोरिटी जितने भी मैंने आपसे पहले बोला ट्रॉपिकल रीजन के जो भी प्लांट है वो सबके सब लाइट डिमांडर ही होते हैं। सेट बियरर या सेट डिमांडर बहुत ही गिने चुने हैं इसमें आपके सिलेबस में। अगर सेट डिमांडर की बात की जाए तो कॉनीफर्स में आ जाता है अपना फिर सिल्वर फिर एविस्पिंड्रो, और इधर आ जाता है सैंडलवुड। इन दोनों के अलावा आपकी स्पीसीज आपके जो 32 स्पीसीज है इनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो सेट डिमांडर हो। ऐसे मिल जाएंगे आपको जो सेट बियरर हो सकते हैं, सेट बियरर का मतलब हुआ कि भाई अगर उसे थोड़ी बहुत सेट मिल गई तो ऐसा नहीं कि वो मना कर देगा मैं ग्रो नहीं करूँगा, वो ग्रो करेगा वहाँ पर, बट वो एक्चुअली लाइट डिमांडर है, उसे चाहिए लाइट है लेकिन नहीं मिल पा रही तो कोई बात है। ओके दूसरा ये साउथ के हैं तो वहाँ पर क्या फ्रॉस्ट नहीं मिलती है, फ्रॉस्ट तो कोई इन्हें झेलने की वो है नहीं, मीन्स साउथ इंडिया में तो इसे फ्रॉस्ट नहीं मिलने वाली है। लेकिन मैंने आपको ये बोला कि पूरी साउथ ईस्ट एशिया में
तो कुछ रीजन ऐसे पैचेज हो सकते हैं जहाँ ये फ्रॉस्टी कंडीशन बनती हो, तो इस टाइप से यहाँ पर लिखा मिलेगा आपको कि थोड़ा फ्रॉस्ट हार्डी है। लेकिन मैं सीधा बोल रहा हूँ, अगर आपने इसे फ्रॉस्ट सेंसिटिव लिख दिया तो कोई आपको गलत नहीं करेगा, क्योंकि रीज़न ये होता है कि एक ही स्पीसीज जो है उसमें फ़र्क आता है, उसकी क्लोनल या बोल सकते हो कि सब स्पीसीज जो होती हैं उनमें वेरिएशन होता है। एक ही स्पीसीज की सब स्पीसीज, या अपन इस टाइप से जो बोलते हैं इकोटोन टाइप का जो है इको स्पीसीज, वो उनमें वेरिएशन होता है। तो जब ब्रॉड लेवल पे आप किसी स्पीसीज के बारे में लिखते हो तो हर चीज़ को छोटे छोटे में मेंशन करना पॉसिबल नहीं होता है, तो कई बार इस वजह से आपको जो लिखा मिलता है वो थोड़ा एक्चुअल से वेरिएट हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ब्रॉड लेवल पे या साउथ ईस्ट एशिया लेवल का कोई अगर लिख रहा है तो उस लेवल पे कवर करके लिखेगा। नेचुरल रीजनरेशन बोला जाए तो सबसे बेस्ट इसका होता है सीड्स है, बहुत काफ़ी इसका जो सीड होता है, जैसे आपका नीम का सीड होता है बाहर से हार्ड सीड कोट है और उसके अंदर एक कोटिलेडन होगा, मीन्स अंदर से एक एम्ब्रियो होगा, जबकि इसका सीड ऐसा होता है कि बीच से खाली होता है, एम्प्टी होता है, पूरा हॉल होता है और साइड में तीन सीड लगे होते हैं इसके। तो कई बार तो क्या है, जब इसके सीड को देखते हो तो ऐसा लगता है कि ख़राब हो चुका है, जबकि उसमें तीन सीड साइड में छुपे होते हैं। अगर आर्टिफिशियल रीजनरेशन का किया जाए तो इसका बहुत सीधे सी है, जो सीड होता है उसी को कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन कलेक्ट से करने से पहले इसकी थोड़ी प्रोसेस करनी पड़ती है, क्योंकि इसका सीड जो होता है वो थोड़ा पल्पी होता है, तो प्रोसेस करके हम जनरली रख लेते हैं। ये जो पल्पी फ्रूट्स हैं इनकी एक स्पेशलिटी ये है कि इनकी वायबिलिटी बहुत कम होती है और आपको थोड़ा स्टोर करना पड़ता है, क्योंकि पल्पी है इसका मतलब ये है कि ये उस इन्वायरमेंट के प्रति यानी कि हार्ड ड्राउट टाइप की कंडीशन के प्रति ज़्यादा रेजिस्टेंट नहीं है। दूसरा, पल्पी इसने इसलिए बनाया क्योंकि ये एनिमल के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो सके फ्रूट। ओके, तो आर्टिफिशियल जनरली हम इससे कर देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो आपने टीक में पढ़ा था स्टम्प प्लांटिंग वो भी यहाँ होगा। रही बात कोपाइसिंग की, तो मेजोरिटी प्लांट कोपाइसिंग होते हैं, बस इतना होता है कि कोपाइसिंग की कैटेगरीज हैं, स्ट्रॉन्ग कोपाइसर, पूर कोपाइसर, बैड कोपाइसर, तो इस टाइप की 6-7 कैटेगरी हैं। तो कॉनिफर्स होते हैं वो वेरी बैड कोपाइसर में आ जाते हैं, मीन्स उनमें कोपाइसिंग एबिलिटी बहुत ही कम होती है, जबकि नॉर्मली जो भी प्लांट होते हैं इनमें कोपाइसिंग की एबिलिटी होती है, काट दो तो निकल आती है कोपाइस। ठीक, बस आपको एक काम याद रखना है, आज की स्लाइड के साथ नीचे आपको एक लिस्ट मिलेगी, एक डॉक्यूमेंट फाइल मिलेगी पीडीएफ एक पेज की, आपको केवल इतना करना है कि एक साइड उसमें स्पीसीज का नाम हाथ से मेंशन करना है, हैंड से, दूसरा उसमें आपको जैसे आर्टिफिशियल नेचुरल रीजनरेशन लीफ फॉल कब हो रही है, फ्रूटिंग कब हो रही है, इस टाइप का लिख लो, उसमें आपको जस्ट फिलअप करना है। पर्पज ये है जिससे आपको थोड़ा आसान चला जाए, एक पेज पे पूरे सभी स्पीसीज का एक फ्रेम बन जाए जो थोड़ा आपको ये याद करने में आसान कर दे कि अच्छा ये नॉर्थ इंडिया के में ये कैरेक्टर इकट्ठे से है, साउथ के में इकट्ठे से है, तो बस उसे डर के हैंड से मैनुअली उसे आपको फिलअप करना है। अभी रहा मैनेजमेंट का देखा जाए तो देखो पढ़ क्या रहे हम, मेलानिया अरबोरिया की जो वुड की डिमांड है वो थोड़ी कम है, क्योंकि जब टीक है तो लोग मेलानिया को नहीं पकड़ते, भले ही उसे वाइट टीक बोल दो लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि डिमांड बढ़ गई, तो इसलिए हम जनरली उसे सिलेक्शन सिस्टम में यूज़ करते हैं, क्योंकि डिमांड कम है तो उसी के हिसाब से फुलफिल हो जाता है। दूसरा, अगर कोपाइसिंग एबिलिटी है तो कोपाइस विद स्टैंडर्ड के थ्रू ग्रो कर लेते हैं, यूटिलाइजेशन का वही है, टिम्बर वगैरह है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट स्पीसीज, वो है अकेशिया निलोटका या बबूल, फैमिली इसकी है मिमोसेसी और पूरा पूरा नॉर्थ इंडिया में फैला पड़ा है, इवन ये तेलंगाना वाले रीजन में भी दर ग्रो कर रखा है। ठीक है, रीजन क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ब्लैक सॉयल जो है उसमें काफ़ी अच्छा ग्रो करता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ब्लैक सॉयल में जब क्रैक्स आते हैं तो अदर स्पीसी सर्वाइव नहीं कर पाती उन क्रैक्स में, जो उनकी रूट डैमेज होती है, जबकि झेल लेता है। तो ब्लैक सॉयल कहाँ है, MP, UP और उधर आ जाएगा आपका महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ रीजन, इनमें पूरे में ब्लैक कॉटन सॉयल है। दूसरा, अब क्योंकि जब ये नॉर्थ इंडिया में हो रहा है तो जो ड्राउट और फ्रॉस्ट है इनको मॉडरेटली रेजिस्टेंट है। ठीक है, अब आप ये बोलो कि इसके क्लाइमेटिक रेनफॉल, टेम्परेचर, अल्टीट्यूड वगैरह क्या चाहिए, तो आपको एक एवरेज मालूम है नॉर्थ इंडिया का, तो उसमें जो नॉर्थ का है वही पूरा एवरेज मिलेगा, कोई स्पेशल की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब देखते हैं इसकी फिनोलॉजी, ये सबसे बड़ी
बबूल में एक सबसे अच्छा करेक्टर क्या है कि जो गर्मियाँ आती हैं तो ये जनरली मार्च अप्रैल अप्रैल के समथिंग इसमें फ्रूटिंग हो चुकी होती है और उसकी जो पॉड्स होती हैं वो नीचे गिर रखी होती हैं। तो लगभग अप्रैल मई के टाइम पे जब फार्म जो होते हैं ना, खेत जो होते हैं खाली हो जाते हैं, तो जो हर्डर है नॉर्थ इंडिया में, ये अपनी हर्ड को छोड़ देते, खासकर भेड़ बकरी को खेतों में छोड़ दिया, क्योंकि खेतों में वीट हार्वेस्टिंग के बाद जो उसकी स्पाइक्स होती हैं, जो उसका जिसमें सीड लगे होते हैं, स्पाइक में गेहूं की बाली जो बोलते हैं, वो खेतों में पड़ी होती है, तो ये एनिमल वगैरह उसे खाते रहते हैं। उसी टाइम पे ये बकरी जो होती है वो इन पोट्स को बहुत खाती है, और एक्चुअली जब वो उसको मुराती है या थ्रो एलिमेंट्री कैनाल से जब पास होती है, तो ये जो अकेशिया निलोट का है बबूल, इसकी जो आउटर कवर की जो हार्ड डोरमेंसी है वो रिमूव हो जाती है। ठीक है, अब इसका मतलब, ये स्टोरी का मतलब क्या है कि अप्रैल में पॉड अगर खा रही है, अप्रैल की एंडिंग से मार्च अप्रैल मई में, इसका मतलब है इसकी पॉड जो है वो मैच्योर हो चुकी है अप्रैल में, मतलब फ्रूटिंग अप्रैल अप्रैल मई के टाइम पर इनमें फ्रूटिंग हो रही होती है इधर, और वो नीचे टपक रही होती है। तो जब अप्रैल मई में वो पॉड हो रही है तो फिर फ्लावरिंग कब होगी? लगभग फ्लावरिंग 2-2.5 मंथ पहले होती है, एवरेज हर स्पीसी में 2-2.5 मंथ लगते हैं पहले। तो वो कब होगी? जनवरी से मार्च, मतलब जनवरी के समथिंग, जनवरी फरवरी में कर लो उसकी फ्लावरिंग। ये जनवरी से मार्च क्यों होता है? क्योंकि एक्चुअली लोकल वेरिएशन होते हैं। एक साउथ इंडियन जो सेम है, अगर मैंगो की बात कर लें तो साउथ इंडियन मैंगो नॉर्थ इंडियन मैंगो से लगभग 1.5 मंथ पहले आता है, टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से। तो इस टाइप के वेरिएशन चलते हैं, इस वजह से ये थोड़ा 3 मंथ का लगभग लिखा होता है जनरली। लीफ फॉल कब हुआ? वही है अप्रैल मई, जब इसमें पॉड आती है उस टाइम पे, जब मैच्योरिटी में होती है और गर्मी तो उधर पड़ रही होती है, तो अप्रैल मई के टाइम पे जब यहाँ गर्मियाँ शुरू होती हैं नॉर्थ इंडिया में, उस टाइम पे अपनी लीफ सेट कर चुका होता है। ठीक है, और कांटों से तो ये फेमस ही है बम्बू का। अब अगर इसी के साथ हम अगर नॉर्थ इंडियन स्पीसीज देख लें, तो उनमें से अपने क्या पढ़ा? पहला तो पढ़ा साल, तो साल को पढ़ाता है कि जनरली एवरग्रीन टाइप का होता है। ठीक है, हाँ, हालांकि ऐसा होता है कि एवरग्रीन है, इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि इसकी पत्तियाँ गिरेंगी नहीं, बस ये है कि इसकी पुरानी गिरेंगी और नई नई का आना लगभग एक साथ होता है। इसमें पुरानी लीफ जो जनरली है वो फरवरी मार्च अप्रैल मई के टाइम पे गिर रही होती हैं, फरवरी से मई के टाइम, डिपेंड होता है किस टाइप की लोकेलिटी में, तो उसी टाइम पर नहीं आ रही। मतलब इसकी और ये जो निलोट का है इनकी लगभग एक पीरियड सा हो जाता है, बस ये है कि ये साल जो है वो हरा रहेगा। दूसरा अपने पढ़ा पॉपुलर, उसका पहले ही बता चुका था, मिड नवंबर में गिर जाती है, वो तो सर्दियों का पेड़ है, तो सर्दियों के टाइम पर सर्दियों से बचने के लिए वो अपनी पत्तियां झड़ा देता है। आगे चलते सिल्वी कल्चर कैरेक्टर देखना, तो भाई जब यहाँ पर है तो ड्राउट हार्ड ही तो हो गई। अकेशिया निलोट का चंबल वैली में भी दर होता है, क्योंकि मेरा जो रीजन है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वो चंबल रीजन में पड़ता है, और यहाँ दर है अकेशिया निलोट का, अजेटा रक्ट का, इंडिका, नीम, प्रोसोपिस जूली फ्लोरा, ये तीनों बहुत ही दर हद से ज़्यादा है, तो ड्राउट हार्ड ही है। फ्रॉस्ट, ये जो चंबल का रीजन है इसमें बहुत दर पड़ती है, फ्रॉस्ट मीन्स अक्सर हो जाती है। नॉर्थ इंडिया में तो फिर होने ही होना है, यूपी वगैरह में, हरियाणा में हो जाती है, लाइट डिमांडर है। तीसरा होता है गुड कुपाइसर, तो मैंने बोला कि मेजोरिटी प्लांट गुड कुपाइसर होते हैं, इसका पर्पज़ यही है कि थोड़ा याद रखो, इसमें किसी में ऐसा नहीं होता कि कोई बैड कुपाइसर है, बैड कुपाइसर कॉनिफर्स है, उन्हें छोड़ करके लगभग कोई ना कोई कुपाइसर होता है। जो सकर्स है, वो सकर्स क्या है, वो भी एक एक टाइप से कुपाइसिंग एबिलिटी है। ठीक है, नेचुरल रीजनरेशन किससे होगा? सीड और कुपाइस से। आर्टिफिशियल क्या करोगे आप? जनरली तो सीड से करते हो, लेकिन अब भाई कुपाइसिंग से भी कर लेते हो, लेकिन हम कुपाइसिंग क्यों नहीं यूज करते हैं आर्टिफिशियल में? क्योंकि हम काटेंगे, एक साल बाद उसमें कुपाइस आएंगी, तो कौन वेट करेगा 1 ईयर का? ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या होता है इसका? जनरली जो किया जाता है वो इसका टिम्बर टिम्बर के लिए किया जाता है, और स्पेशली पर्पज है फ्यूल वुड। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, तो यूजली इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है फ्यूल वुड के लिए, कैलोरीफिक वैल्यू होने की वजह से। तो अब उसके लिए क्या करोगे आप? सबसे अच्छा सिंपल होता है कि आप कट कर दो, क्लियर फिलिंग कर दो। दूसरा, इसका टिम्बर बहुत हार्ड होता है, तो जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हैं वो भी इसी बनते हैं। तीसरा एक इम्पोर्टेंट और है, इसकी बार्क
और इसके पॉड दोनों से ही मिलता है टेनिन। ये टेनिन का जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है जो स्किन होती है हार्ड होती है, ठीक है, हाइड जो होती है, हाइड को टेनिन करने में करता है। मतलब टेनरी जो होती है, मतलब जो चमड़े की जो उद्योग है, इंडस्ट्रीज है, वो इसकी जो चमड़ा होता है उसको सॉफ्टनिंग करने में यूज करते हैं। और एक और यूज है इसका, आपने वो देखा होगा एक पुराने टाइम पे, आपके टाइम पे याद हो, ऐड आता था जब आप छोटे थे, सुबह बबूल की तो दिन तुम्हारा। तो ये जो टूथपेस्ट है, क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया में, साउथ में भी एक्चुअली होता है, नीम और बबूल, इन दोनों को वो सुबह सुबह जो टूथब्रश की तरह यूज करते थे, वो काफ़ी लंबे टाइम से चला रहा है। तो वैसे ही वही सेम सिमिलरिटी यहाँ पर है, तो आप उसे यूज कर सकते हो। थोड़ा मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, जैसे खांसी वगैरह होती है तो उसकी लिप्स यूज की जाती है, और ये बबूल वाला टूथपेस्ट का पर्पज हो गया। ओके, अब आगे एक और जैसे एज ए एक्स्ट्रा देख लेते हैं, ये है अकेशिया टॉर्टलेस। अकेशिया टॉर्टलेस इजराइल से आया है, और इसका पर्पज़ ये है कि ये, अब इजराइल की क्या कंडीशन है, द डेजर्टिक कंडीशन है, अरेबियन पेनिनसुला पड़ रखा हुआ। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ के जो डेजर्ट है राजस्थान वाला, जहाँ पर अदर स्पीसीज हमारी खुद की सर्वाइव नहीं कर पा रही, वहाँ टॉर्टलेस लगा देते हैं, ये साला दर ग्रो करता है। ओके, आगे चलते हैं। आगे आता अकेशिया कटिचू। देखो, निलोटका के साथ कटिचू मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जैसे आपसे मैंने बोला कि निलोटका चंबल वाले रीजन में, उत्तर यूपी जो है, उत्तर प्रदेश है, और राजस्थान वाला जो नॉर्थ इंडिया है, पूरा पूरा नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया, इसमें काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, महाराष्ट्र तक और उधर तेलंगाना तक मिलता है। लेकिन जो कटेचू है, इसकी स्पेशलिटी यह है कि इसका सबसे जो फैला तो ये भी पूरे में, जहाँ जहाँ निलोटका है वहाँ वहाँ कटेचू है, क्योंकि इनकी सिमिलरिटी कंडीशन है, दोनों ही मेमोसीसी के फैमिली के हैं और सब लगभग एक ही टाइप की कंडीशन है इनकी। बट फर्क ये है कि इसका कटेचू का जो सबसे ज़्यादा ग्रोविंग रीजन है वो है ये रेबाइंस। तो इसमें सबसे बड़ा रेबाइंस चंबल वाला है। तो इसका एक डिस्ट्रिक्ट है बीका मुरैना। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो कत्था का मैन्युफैक्चरिंग होता है, कत्था वही है जो पान वाला लगाता है, तो उसका जो सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होता है वो इसी रीजन में होता है, वो इसकी वुड से होता है, हार्ड वुड से। अब एक बात और, अब अकेशिया कटिचू का एक और आता है कि जब आप कभी नेट पे सर्च करते हो तो कोई भी आपको ये बता देता है कि अकेशिया कटिचू नॉर्थ से पूरा साउथ में तमिलनाडु तक फैली हुई है। एक्चुअली वो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, वहाँ पर बहुत सारी इस टाइप के बताएंगे। एक्चुअली अकेशिया कटिचू की दो स्पीसीज हैं, अकेशिया कटिचू और अकेशिया चुंडरा। ये जो चुंडरा है ये है एक्चुअली साउथ में, और नॉर्थ में है अकेशिया कटिचू। तो क्योंकि दोनों दोनों की फिनोलॉजी लगभग एक सी होती है, तो लोगों को क्या लगता है कि एक ही स्पीसीज है। तो जैसे कुछ स्पीसीज हैं जो मीन्स कुछ वेबसाइट्स हैं जो इंडिया की हैं, अपने यहाँ की हैं, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज फलाने ढिकाने, प्राइवेट है, गवर्नमेंट कोई ऑथेंटिक नहीं है, बट वो आपको इस टाइप से पूरा पूरा दिखा देती है, तो थोड़ा गलत है, ठीक है। दूसरा अगर डिस्ट्रीब्यूशन बोल दिया जाए, तो मैंने बोला कि रेबाइंस है सबसे बड़ी इंडस्ट्री कट चुकी मुरैना वाला जो चंबल का रीजन है उसमें है। तो आपको इसमें ये याद नहीं रखना कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। वैसे तो रेबाइंस है तो वो केवल चंबल की नहीं है, चंबल है, यमुना है, उधर जो झारखंड वाले रीजन है तो वहाँ पर जो सोन वगैरह रिवर है, दामोदर वैली, तो वहाँ पर भी रेबाइंस है। तो इन्हीं में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो उनकी क्या रेनफॉल होगी, टेम्परेचर, प्रेशर, अल्टीट्यूड, टोपोग्राफी, इन चीज़ों का आप समझते हो कि कोई ज़्यादा नहीं है। अल्टीट्यूड टाइप की चीज़ों को आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। स्वेल क्या होगी, जो जिस टाइप की है, यूपी में तो ब्लैक कॉटन हो जाएगी, चंबल वाले में तो रेबाइंस की है, कैलकेरी सॉइल वाली रिच हार्ड सॉइल हो गई, और अगर जो फॉरेस्ट एरिया है झारखंड के तो उसमें क्या स्टोनी टाइप की होगी, ठीक है। अल्टीट्यूड का यहाँ कोई मतलब नहीं है, अल्टीट्यूड के लिए हमें ज़रूरत होती है कॉनिफर्स के लिए। तो यहाँ पर ये जस्ट जनरल है कि एक बार आपको समझ में आ गया कि ये चीज़ है क्या, फिर आप चलता रहता है। और वैसे भी इन चीज़ों की ज़रूरत कब पड़ती है, जब आपको किसी ने 5 मार्क या 10 मार्क में डिस्ट्रीब्यूशन पूछ लिया, तो फिर क्या लिखोगे, मैप बना के निकाल लोगे। तो आप 2 मार्क का पूछा तो सीधे सीधे डिस्ट्रीब्यूशन लिख दोगे कहाँ से कहाँ फैला है, लेकिन अगर उसने 5 या 10 मार्क का पूछ लिया तो आपको मैप के साथ कुछ ना कुछ लिखना चाहिए पड़ेगा, और वो लिखने के लिए क्या होगा, तो ये पॉइंट वो हैं, फुटर पॉइंट हैं, जिससे आपको उसे लिखने में थोड़ी आसान जाए। ओके, अब लिखते हैं इसकी फिनोलॉजी।
मैंने ये बोला ये कहाँ का है, नॉर्थ का। नॉर्थ का है तो बबूल के साथ ही है, तो वही सेम वही होगी। लीफ फॉल कब होगी, वो मार्च अप्रैल के टाइम पे, इसमें अभी पत्तियाँ झड़ जाते हैं। फ्रूटिंग कब होगी, वही अप्रैल बाई जून, ठीक है। न्यू लीव्स आएंगी जून में, वैसी बबूल में आती हैं तभी इसमें आती हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही मानसून आया, इन्हें रेनफॉल मिली, मॉइस्चर मिली। मॉइस्चर मिली तो जो अगर तुमने पेड़ काट दिया तो उससे कुपाइस निकलेंगे, और ये है तो इसमें तो फिर निकलनी निकलनी लीव्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसी अपनी लिस्ट को, पुरानी वाली को थोड़ा अपडेट कर लिया, तो इसमें साल और पॉपुलर हो गया था, अब बबुल हो गया, और यहाँ पर आप अगली बार चलेंगे तो है कटचू भी इंक्लूड हो जाएगा। सिल्वीकल्चर कैरेक्टर, तो पहली बात है लाइट भाई, इसे किसी का शेड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मैंने पहले ही बोला कि शेड डिमांडर दो ही है, साउथ इंडिया में चंदन और नॉर्थ इंडिया में जो कॉनिफर्स है उनमें है बीच पिंटो, बका के सब लाइट डिमांडर है। अब रही बात फायर और फ्रॉस्ट रेजिस्टेंट की, तो भाई मॉडरेटली तो सभी रेजिस्टेंट होते ही हैं जमल वाले, क्योंकि इसमें जो दाब वगैरह होता है, ग्रासेस होती हैं, इनमें आग लग जाती है। तो इनकी क्या रेजिस्टेंस का एक कैरेक्टर क्या होती है कि इनकी जनरली जो बार्क है उसमें थिकनेस होती है। तो इस कैरेक्टर को याद रखना कि जो प्लांट जो फायर रेजिस्टेंट हैं उनकी एक्चुअली बार्क की थिकनेस ज़्यादा होती है। तो बार्क जो होता है वो एक्चुअली हीट के प्रति एक एक टाइप का मैकेनिकल बैरियर क्रिएट क्रिएट करता है, और ये इसका कोई भी प्लांट हो बार्क ही उसे हीट यानी कि फायर रेजिस्टेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाता है। तो इनकी जनरली बार्क काफ़ी मोटी तगड़ी होती है, हड्डी गड्ढी, गुड कुपाइशर होंगे, फेस हैवी ब्राउजिंग प्रेशर। अब ये तो जैसे मैंने बोला बायोटिक प्रेशर में अगर आपको लिखना होगा तो ऐसा इंडिया का कौन सा प्लांट है जो बायोटिक प्रेशर नहीं झेल रहा है। बस इसका पर्पज़ ये है कि जब लिखना है तो ऐसा फेंको कि सामने वाले को ना पकड़ते ना बने। तो पॉइंट कॉमन है, फेस हैवी ब्राउजिंग प्रेशर। क्यों भाई, बबूल नहीं करता क्या? बबूल कर रहा है, टीक भी ब्राउजिंग, वो भाई ठीक ब्राउजिंग नहीं कर रहा तो दो पैर वाले मैन का कर रहा है जो उसे काट के ले जाता है। ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, सिल्विकल्चर कैरेक्टर एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लावरिंग। यहाँ पर आपका आ गया अकेसिया कटचू, और यहाँ दूसरा था नीम, ठीक है। यहाँ पर ये है कि आप इस टाइप की जो क्वेश्चन है, मैं यही बोलूँगा कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को लिखो और उन्हें मुझे सेंड कर दो। पर्पज़ वही है, ऐसा नहीं कि मैं पॉसिबल, मुझे भी मालूम है कि मुझे ये पॉसिबल नहीं है कि हर किसी का आंसर चेक कर सकूँ। हाँ, लेकिन कम से कम ये एक फ्रेमवर्क देख सकता हूँ कि हाँ ठीक है एवरेज, और दूसरा तुम्हारी एक आदत हो जाएगी कि हाँ मुझे भेजना है तो तुम थोड़ा लिखोगे उसे, अदरवाइज अरे ये सिंपल है लिख लेंगे, तो जो हैबिट में नहीं आता वो जनरली एग्जाम के टाइम पे हम उसे फिर रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। ओके, कटेचू में वही बोला जो बबूल का है वो लगो खैर में, सीड और कुपाई। मैंने आपको बोला था आप अकेसिया अलवेजिया केसिया, ये कटेचू भी हुई उसी में से आता है, इमोसिसी का है। तो सीड कोट की डोरमेंसी होती है तो वो डायरेक्ट सीड लगा देते हैं या प्लांटिक लगाते हैं, मैनेजमेंट वही है, सिलेक्शन या क्लियर फिलिंग या कुपाइशिंग विथ स्टैंडर्ड भी आ जाता है। ये सिंपल सी चीज़ है, देखो हम क्लियर फिलिंग या सिलेक्शन क्यों यूज करते हैं, क्लियर फिलिंग तो सीधा सा आसान जाता है, कहाँ जहाँ पर्पज है। कटेचू खैर किसके लिए है, कत्था के लिए, तो कत्था के लिए ना हार्डवुड चाहिए तो ऑब्वियसली इन्हें क्लियर फिलिंग ही करनी पड़ती है, क्योंकि इन्हें इरोजन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जहाँ जंबल में इरोजन वाली प्रॉब्लम है तो वहाँ पर सिलेक्शन अपना लेते हैं। यूज क्या है, कत्था बता दिया, कत्था के साथ साथ उसमें अगर जो कत्था निकलता है अगर उससे हम टैनिक एसिड को अलग कर दें तो जो बनता है उसे बोलते हैं कैटेचिन, ठीक है। और तीसरा टेम्बर। ओके चलो आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं डेलवर्जिया सिसु, ये भी कहाँ का है, ये भी इन्हीं रेबाइन में उग रहा है और पूरा पूरा नॉर्थ इंडिया में ग्रो कर रहा है, हालांकि ये सेंट्रल में महाराष्ट्र तक ग्रो करता है, महाराष्ट्र तक एक्चुअली वो रीजन है जहाँ जिसे मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। फैमिली क्या है, फैमिली है पेपिलियोनेसी। देखो एक बड़ी फैमिली है लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी के अंदर तीन सब फैमिली है, पेपिलियोनेसी, मिमोसेसी और सिजलपिनेसी, उसकी तीन सब फैमिली है। तो ये जनरली प्लांट जो है वो सब फैमिली के, लेकिन सबके सब किसके अंडर आते हैं, लेग्यूमिनेसी के, और लेग्यूम्स है तो इनके रूट में जो है वो होगा राइजोबियम। यही वजह है कि चाहे आपका बबूल हो चाहे अकेसिया कटचू हो, ये चंबल जैसे रीजन में भी इजीली ग्रो कर रहा है जहाँ न्यूट्रिएंट की कमी है। क्यों कर रहा है, क्योंकि रूट में कहीं ना कहीं वो नोड्यूलर जो बैक्टीरिया है वो इन्हें न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी में हेल्प कर रहा है।
अब डलवर जैसे सूखा अगर देखते हैं तो इसकी दो स्पीसीज होती हैं, नॉर्थ में दर उगता है, एक है डलवर्जिया सिस्सू और दूसरी है डलवर्जिया लैटीफोलिया। यहाँ देखो आप ध्यान दोगे तो डलवर्जिया सिस्सू है उसकी लीफ जो है वो है पॉइंटेड और जो लैटीफोलिया उसकी है राउंड। तो ये है लैटीफोलिया, मतलब जो लेटा है वो, जो लेटा है तो लेटा होगा तो लंबा होगा, मीन्स जो लेटा है लैटीफोलिया है उसकी लीफ लंबी नहीं है, ये कुछ कुछ ऐसे ही है, जो चाचा है वो चाचा नहीं है, ठीक है आगे चलते हैं। हाँ एक बात और, डलवर्जिया लैटीफोलिया को जनरली रोजवुड बोला जाता है। ओके डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बता चुका हूँ, अब उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, रेनफॉल है, टेम्परेचर है, सॉइल वगैरह है, ये कॉमन कैरेक्टर है। फिनोलॉजी की बात की जाए तो कहाँ का है, नॉर्थ इंडिया का। एक बात और, ये क्या है, ग्रीन रहेगा, ठीक है। लीव्स, नई लीव्स कब आई इसमें, जून में। लीव फॉल कब हो गया, लगभग मार्च के टाइम पे, वही मैंने बोला विंटर शुरू हुई, वो सॉरी गर्मियाँ शुरू हुई, लीव सेटिंग करना शुरू कर दिया इन्हें। आपने अभी तक की कोई चीज़ ऐसी पढ़ी नॉर्थ इंडिया की जिसने गर्मियों में पत्तियाँ हरी की हो, एक्सेप्ट साल, साल ग्रीन रहता है उस टाइम पे, नीम ग्रीन रहता है, और कोई सुन रहे हो, अभी तक नहीं पढ़ने में। बस इसी चीज़ को याद रखना है, जिसके स्पेसिफिक करेक्टर मिल जाए बस उसे ध्यान रखो, बका के सब में कॉमन चीज़ें चलती हैं। न्यू लीव्स कब आएंगी, मानसून के साथ। फ्लावरिंग कब होगी, वही है जनवरी फरवरी के टाइम पर ये फ्लावरिंग करते हैं, जिससे फ्रूटिंग करते हैं वो अप्रैल मई जून तक। पर्पज, जैसे जब जुलाई में मानसून आया तो सीधे सीधे जो फ्रूट जो है इनके जो पॉड सीड पड़े हैं उन्हें मॉइस्चर मिलेगी और वो जर्मिनेट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आप फिनोलॉजी को थोड़ा कंपेयर कर लें, इसमें खैर भी जोड़ दिया, अगली बार सीसम भी छोड़ जाएगा। ओके अब देख लें अगर हम लाइट की, तो ऑब्वियसली लाइट डिमांडर है, नॉर्थ इंडिया में उगता है तो फ्रॉस्ट और उसके ड्राउट का हार्ड ही होगा। इसका एक सबसे जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है वो है रूट सकर। तो सीसम का जो नॉर्थ इंडिया में प्रोपोगेशन करते हैं वो जनरली क्या करते हैं, ट्री के चारों तरफ ट्रेंच खोद देते हैं, तो जो रूट्स होती हैं, जो लेटरल रूट्स होती हैं, उनसे नया स्प्राउट निकल आता है। यहाँ पिक्चर में दिख रहा होगा कि ये सीसम का पेड़ है, वो एक साइड लगा था और उसकी साइड से नए नए रूट सकर निकला है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, इसका पर्पज वही कि नॉर्थ इंडिया में तो फ्रॉस्ट तो मिलता ही है और वाटर स्ट्रेस तो ये झेलेगा ही झेलेगा, ठीक है, क्योंकि ये चंबल में उग रहा है, जो चंबल में मतलब ऐसा नहीं रेवाइंस में उग रहा है, ये जो रिवर बेस है ना उसमें उगता है जनरली। ओके अब इसका एक जो आर्टिफिशियल रीजनरेशन है, नेचुरल तो वही है, दो है, रूट शक्कर मैंने बता दिया और सीड, तो रूट शक्कर को ध्यान रखना है इसमें। आर्टिफिशियल की बात की जाए तो हम एक तो सीड से करते हैं क्योंकि सीड इजली अवेलेबल होते हैं, दूसरा जो इसका किया जाता है वो है स्टम्प प्लांटिंग, क्योंकि देखो एक्चुअली स्टम्प से हम क्यों करते हैं, क्योंकि जो प्लांट स्टम्प से कर सकते हैं उन्हें तो हम 100% स्टम्प से करते हैं, उसके पीछे एक रीज़न है, स्टम्प का मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान होता है, आराम से उन्हें इकट्ठा भर के कहीं भी पोर्ट कर देते हो, कोई एक झंझट नहीं होता। अगर स्टम्प 15 दिन रखा रह गया, ट्रांसप्लांट नहीं हो पाया तो कोई डेथ हो रही, वो कुछ नहीं होता, जबकि सीडलिंग को मेंटेनेंस बहुत होती है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि स्टम्प कैसे बनेगा, स्टम्प लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर का होगा और ये लास्ट में जो है वो स्टम्प ही दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर स्टम्प आपने और किस में पढ़ा है, डीक में, और यहाँ पढ़ रहे हो सीसम में। ओके आगे देखते हैं, ये मैंने वही बताया कि किस टाइप से ये ट्रेंचिंग करके चारों तरफ पेड़ के उसमें मतलब इंड्यूस कर रहे हैं रूट सकर्स को, इसमें डलवर्जी सिसु और लैटीफोलिया में। ऐसे ही प्रोसोपिस सिनेरिया में यह खिजड़ी बोलते हैं इसे, जो राजस्थान का स्टेट ट्री भी है, उसमें भी करते हैं, लेकिन अपना यहाँ पर वो नहीं है एस्पेक्ट, इसे पढ़ना यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको याद हो जाता तो अच्छा है, नीचे वाले जो है उन्हें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे वही बोल रहा हूँ कि इनका टैप रूट सिस्टम ज़्यादा होता नहीं है, डीप साइड में ही होता है। ये किसकी बता रहा हूँ, जो सकर्स हैं, क्योंकि जो रूट सकर्स हैं उनमें टैप रूट कुछ बना नहीं, टैप रूट मतलब सीधा नीचे की तरफ कोई रूट सिस्टम, इनके पास में साइड की तो रूट होते ही जो जिससे प्लांट निकल आया, तो इनके पास डीप टैप रूट नहीं है, तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग विंड आई तो ये उखड़ना बहुत आसान चली जाती है, मीन्स इस टाइप से इनका स्ट्रॉन्ग विंड में ससेप्टिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। सीसम का यूज क्या है, फर्नीचर बनाने में, जितने भी जो चारपाई है तुम्हारे, जो वुडन जो घर के हैं वो है, कार्ट है जो ब्लॉक कार्ट है उसमें यूज करते हैं, और एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट वगैरह। अब अगर हम थोड़ा एक्सरसाइज देख लें तो रिवीजन के टाइप से, तो देख लें कि आपको मैंने सिल्वीकल्चर में पढ़ाया था सक्सेशन टॉपिक,
सक्सेशन में पढ़ा था रेवाइंस। रेवाइंस में आप देखोगे कि अकेशिया कटिचू और डेलवर जैसे सू है दूसरे नंबर पर, तो रेवाइंस सक्सेशन का ये यहाँ पार्ट है। और सबसे टॉप में क्या था, सूर्या और टर्मिनेलिया, साल और टर्मिनेलिया अर्जुना। ठीक है चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन था उसने पूछा था सिल्वीकल्चर करेक्टर और नेचुरल रीजनरेशन, तो इसमें आप देख लोगे इसमें तो है तो नहीं है, लेकिन इस टाइप के में ये देख लो कि सिल्वीकल्चर करेक्टर और नेचुरल रीजनरेशन। अभी ने ये पाँच पाँच मार्क का पढ़ा, मतलब पाँच पार्ट के सिल्वीकल्चर, 5 मार्क का नेचुरल रीजनरेशन। अब आपको 5 मार्क के में 3 स्पीसीज का लिखना है, तो इसमें फिर कुछ बनता नहीं है, इसमें सीधा सीधा स्पीसीज का नाम लिख करके उसी का 2 लाइन में सिल्वीकल्चर करेक्टर लिख दो और 2 लाइन में रीजनरेशन, इससे ज़्यादा कुछ बनता नहीं है। क्योंकि कितना लिखोगे, 5 मार्क 3 स्पीसीज, मतलब एक स्पीसीज लगो 1.33 मार्क पड़ रहा है, तो इसके लिए तो सीधे सीधे एक ही एक लाइन में निपटाना पड़ेगा आपको, तो इसमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। अब आगे देख लेते हैं प्रोसोपिस जूली फ्लोरा। देखो इसे बोलते हैं मस्केट बीन। इसका पिछले इम्पोर्टेंस की अगर देखा जाए तो 2018 के प्री में भी पूछ लिया गया था क्वेश्चन, क्योंकि एक्चुअली ये नेटिव कहाँ का है, मैक्सिको का या सेंट्रल अमेरिका का। ठीक है तो वहाँ से इसे हमारे यहाँ क्यों लगाया गया, मैंने आपसे बोला था कि ये वही स्पीसी है जिसकी ईयर सीडिंग की गई चंबल रीजन में, दूसरा इसकी ईयर सीडिंग की गई वेस्टर्न घाट में। ठीक है ये पूरा पूरा जो दिल्ली का जो रिज रीजन है उसमें सबसे ज़्यादा डोमिनेंट यही स्पीसीज है अभी एट दैट टाइम, पूरा मेरे जो पीछे का रिज रीजन है उसमें यही पूरा पूरा इसी का फॉरेस्ट हो रखा है। क्यों, क्योंकि जब ये इतनी हार्डी है कि एडवर्स कंडीशन में भी ग्रो कर जाती है, और जहाँ एक बार ये ग्रो हो गई दूसरे को कंपटीशन में सर्वाइव नहीं कर सके, दूसरे को थोड़ा स्ट्रगल करना है, इसे कोई स्ट्रगल नहीं करना, तो इस टाइप से पूरा पूरा इसी का फॉरेस्ट हो गया वहाँ। ओके एक चीज़ को ध्यान रखो कि कई बार क्या होता है कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि आपको 5 एग्जोटिक स्पीसीज के नाम याद लिख दो, तो आप ऐसे में आपको कम से कम पता होना चाहिए वो नाम फैमिली के साथ पूछे गए हैं, आपको उनका नाम लिखना है और फैमिली लिखना है, या फैमिली और ना फैमिली पूछ लिया एग्जोटिक की, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको पहले से प्रिपेयर करना होता है। तो उसमें मैंने जैसे आपको यूकलिप्टस बता दिया, पॉपुलर बता दिया, तीसरा ये प्रोसोपिस जूली फ्लोरा बता दिया, तीसरा आपको चौथा आपने अकेसिया टॉर्टलिस इजराइल वाला बता दिया। ठीक है तो धीरे धीरे और भी आ जाएंगे 2-4, तो इस टाइप से काम चलता रहता है। तो आपको लगभग 5-6 ऐसे पता होना चाहिए एग्जोटिक। वैसे सिल्वीकल्चर में जो एग्जोटिक वाला वो था नर्सरी वाला था टॉपिक, उसमें भी आपको एग्जोटिक पढ़ा होगा आपने। चलो आगे चलते हैं। अब मुद्दा क्या है, लेग्यूम्स का है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ किया मैंने बता दिया, इसके साथ कटेचू और निलोट का है, फिनोलॉजी अगर देखा जाए तो ये क्यों ग्रो किया है, ये तो एक तो ये एवरग्रीन है, तो अभी आपको साउथ में एवरग्रीन और कौन मिला था, एक तो लगभग साल मिल गया था जो ऑलमोस्ट एवरग्रीन था, दूसरा आपको साउथ में ये सॉरी नॉर्थ इंडिया में एवरग्रीन कौन मिल गया, ये प्रोसोपिस जूली फ्लोरा, मतलब ये गर्मियों में भी हरा रहेगा, मतलब इसकी इतनी कैपेसिटी है, इतना डीप रूट पेनिट्रेशन सिस्टम है कि अंदर डीप जो यहाँ के रेवाइंस है या डीप जो है वाटर टेबल चली गई, वहाँ से भी राजस्थान की जो जहाँ वाटर टेबल 150 मीटर तक चली गई है वहाँ से भी ये मॉइस्चर को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। अब फ्रूटिंग कब होगी, वही सेम है इसका, जनरली मानसून से पहले है ना, मई जून के टाइम पर फ्रूटिंग आ जाती है और उसी टाइम पर सीधा सीधा जर्मिनेट होता है, मतलब मॉइस्चर के हिसाब से बिल्कुल सही कंडीशन पड़ती है इसकी। फ्लावरिंग वही जनवरी की फरवरी में होगी, फ्रूटिंग हो गई मार्च अप्रैल मई में। थॉर्नी ब्रांचेज होती है जैसे नेलोट का की होती है वैसे यही होती है। सिल्वीकल्चर कैरेक्टर ड्राउट हार्डी बोल जाए दर हार्डी है, फ्रॉस्ट कुछ बिगाड़ नहीं पाती है, लाइट दर लेता है, और कुपाइसिंग और रूट सकड़ तो दर है। तो जो किसी प्लांट को सर्वाइबिलिटी के लिए क्या चाहिए कि कुछ एनवायरमेंटल स्ट्रेस से हार्डी हो, और दूसरा उसकी प्रोपोगेशन या रीजनरेशन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तो यहाँ पर कोपाइसिंग और रूट सकर इसे पूरा पूरा फैसिलिटेट करते हैं। आगे अगर नेचुरल रीजनरेशन बोले तो कैसे होगा, सीड और रूट सकर से आर्टिफिशियल, तो हम जनरली सीड से करते हैं, दूसरा कभी कभी इसके स्टम्प प्लांटिंग भी कर लेते हैं। तो आपको स्टम्प प्लांटिंग किस किस की मिली है, टीक की मिली, शीशम की मिली है, और ये हो गया प्रोसोपिस जूली फ्लोरा, और रूट सकर तो हम यूज करते हैं। यूटिलाइजेशन क्या है, इसका मैंने आपको शायद एक बार पहले बता चुका था कि इसे हमारे यहाँ लगाया क्यों गया था, कि यहाँ की सॉइल में सक्सेशन प्रोसेस को ये बूस्ट अप करेगा, दूसरा गर्मियों में भी अगर हरा रहेगा तो यहाँ के जो एनिमल्स हैं उनको गर्मी के टाइम पे थोड़ा रिलीफ देगा, वाइल्ड एनिमल्स को, तीसरा पॉड जो है
वो उनके लिए फूड का काम करेगी, और जैसे पहले एक तरह भुखमरी मरती थी होती थी उस टाइप के केस में इसकी जो पॉड्स है वो कहीं ना कहीं वाइल्ड एनिमल को एक सर्वाइव होने का एक चांस दे देंगे। जनरली हमारी जो इसकी वुड होती है उसे फ्यूल वुड में भी यूज कर लेते हैं, बट फ्यूल के थोड़ा कैलोरी की वैल्यू कम होती है, धुआं ज़्यादा छोड़ता है, बट फूडर के लिए एक्सेलेंट है। ओके अब अगर हम सीड डोरमेंसी की बात की जाए रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये क्या चल रहा है, अकेसिया अल्बेजिया प्रोसोपिस, ठीक है आप वाले अकेसिया अल्बेजिया प्रोसोपिस और केसिया, ये वो स्पीसीज हैं जिनकी सीड डोरमेंसी होती है वो उनके सीड कोट की आउटर कवर से होती है। तो अगर हमने उन्हें पानी में डाल दिया कुछ घंटे तो वो जनरली सीड डोरमेंसी इनकी रिमूव हो जाती है, मतलब वाटर सुगिंग सी हो जाती है, यानी कि इनकी सीड डोरमेंसी जैसी दो चार रेनफॉल पड़ी इनकी सीड डोरमेंसी भाग जाती है और जर्मिनेट कर जाते हैं। तो जनरली दूसरी तीसरी जैसी मानसून आया दूसरी तीसरी रेनफॉल में जर्मिनेट करना शुरू कर देते हैं। अब चलते हैं अगली स्पीसीज पर, वो है अल्बिजिया लीबैक। दो स्पीसीज और बची हैं, अल्बिजिया लीबैक और अल्बिजिया प्रोसेरा। यहाँ हम अल्बिजिया लीबैक पढ़ेंगे, दोनों एक ही हैं, दोनों के करेक्टर में इतना फ़र्क है कि इसका जो वुड है मीन्स जो बार्क है वो होती है काली, इसलिए इसे बोलते हैं ब्लैक सीरीज, और जो दूसरी बोली है वो थोड़ा हल्का वाइट पिंक टाइप का होता है तो उसे हम बोलते हैं वाइट सीरीज। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल गोरी चट्टी है, वो भी हल्की लाइट का मतलब ब्राउन टाइप की, वो हल्की डार्क ही है लेकिन थोड़ा इसके कंपेयर में वो सफ़ेद सी दिखती है, इसलिए हम उसे बोलते हैं वाइट सीरीज। बेसिकली देखा जाए तो दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, फिनोलॉजी सेम है, सब कुछ सेम है। तो आपको मैं इसे पढ़ाऊंगा, उसको आपको इसी का कॉपी करके उठा के दे देना। अब अगर सीरीज की बात की जाए तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका फैमिली, तो आपको लेग्यूम्स कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया जाए तो जब मैं महाराष्ट्र में था एकेडमिक टाइम पे तो वहाँ पर ये दर ग्रो करता था, और ये केवल वहीं नहीं है पूरे नॉर्थ इंडिया में भी ये है, तो आपका पूरा पूरा नॉर्थ से साउथ इवन थोड़ा कर्नाटक के रीजन में है उसमें भी ये खूब ग्रो करता है, अल्बिजिया मस्त ग्रो करता है अल्बिजिया लीबैक कर्नाटक वाले रीजन में। पर्पज वही अल्बिजिया अकेसिया अल्बिजिया प्रोसोपिस केसिया, मतलब इसकी सीड डोरमेंसी पानी दे तो रिमूव होती है। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन आप देख लोगे और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ वो क्या रिक्वायरमेंट है वो कोई मुद्दा है नहीं, अंडमान निकोबार तक चला जाता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब मुद्दा ये है कि अल्बिजिया को हम क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ, क्योंकि अल्बिजिया का कोई टिम्बर वैल्यू ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उसकी जो वुड होती है वो थोड़ी अजीब सी होती है, दैट मीन्स कि उसमें ना तो आप बर्न कर सकते हो फ्यूल वुड क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू बहुत कम होती है, धुआं देके छोड़ती है। दूसरा टिम्बर भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि जिससे काट भी दे इस टाइप की कहीं हार्ड जगह लगाया जा सके। तो फिर हम उसे पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है दो जगह, एक तो है एवेन्यू प्लांटेशन में क्योंकि पेड़ बहुत अच्छा बड़ा होता है, तो एवेन्यू के टाइम पे उसमें जो रोड के साइड में प्लांटेशन होता है वो काफ़ी अच्छा लगता है, फ्लावरिंग के टाइम पे भी काफ़ी अच्छा लगता है वो। दूसरा होता है फूडर के लिए, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स जो है उनको ये फूडर का एक बहुत रिच सोर्स होता है, लेक्यूम ना सिर्फ प्रोटीन वगैरह ज़्यादा जनरेट होता है इसके सीड में पॉड वगैरह जो है, तो लेक्यूमनेस के लिए इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो जाता है। रही बात ट्री की तो ये डेसीडुअस मॉडरेट साइज का होता है, स्ट्रॉन्ग लाइट डिमांडर होता है, फ्रॉस्ट टेंडर है, ड्राउट हार्डी है, ठीक है फास्ट ग्रोविंग स्पीसीज है, सीरीज या ईस्ट इंडियन वालनट बोलते हैं इसे। इसमें जो इंट्रोडक्शन में लिखे हैं ये आप ऐसे दिखेंगे कि लगभग हर पेड़ में घुसेड़ सकते हो, तो लगा दो, इनमें कोई वो नहीं है, कॉमन से कैरेक्टर है, हर पेड़ लगभग मॉडरेट साइज का ही होता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले ही होते हैं जिनकी 20 से 25 मीटर की हाइट होता है वही होते हैं हाई साइज के, बकाए के तो सब मॉडरेट साइज के होते हैं, और मिनिमम साइज के नीचे वाले तो कोई है नहीं, वो तो श्रब वगैरह हो जाता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन का कोई इशू रहा नहीं अपना। अब रहा सिल्वीकल्चर कैरेक्टर, तो सीरीज कहाँ उग रहा है, मैंने बोला महाराष्ट्र कर्नाटक में या उधर अंडमान निकोबार पर उग रहा है, तो अब अंडमान में क्या चाहिए, ओवर रेड लाइट चाहिए इसे, मैंने तो बोला सेट डिमांडर तो साउथ में कुछ है नहीं, तो ये लिखा लाइट डिमांडर ही होगा। रही बात रीजनरेशन की तो रूट सकर भी इसमें प्रोड्यूस करते हैं, सेंसिटिव टू ड्राउट ड्यू टू इट्स सैलो रूट सिस्टम, ठीक है। अब आप ये बोल सकते हैं कि आए दिन हर दूसरे तीसरे में आप रूट सकर पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब ये है भाई कि जैसे मैंने बोला जो पेज मिलेगा आपको उसमें आप इसे मेंशन कर लेना, तो ऐसा आपको पता पड़ेगा कि ज़्यादातर में रूट सकर है, तो ये देख लेना किस किस में नहीं है, ख़त्म काम। ओके नेचुरल रीजनरेशन वही है, सीड को पाइस और रूट सकर, आर्टिफिशियल क्या करेंगे, एक तो हम स्टम्प कर देते हैं
और सीड से कर देते हैं। अब जब यहाँ पर जो जनरली है कि जब हम प्लांटेशन करते हैं तो हम जनरली ऑर्डिनरी पिट को यूज़ करते हैं और 3 बाय 3 मीटर की स्पेसिंग, एक स्टैंडर्ड स्पेसिंग है 3 मीटर बाय 3 मीटर, स्क्वायर टाइप की प्लांटेशन करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम उसे देख लें तो इसे देख सकते हैं कि स्टेम प्लांटिंग हमने किसमें पढ़ी, टीक में, सिसू में, अल्वीजिया में अभी पढ़ ली इसमें स्टेम प्लांटिंग, इसके साथ साथ कैसिया कटचू में भी पढ़ी थी। रूट सकर की बात की जाए तो सिसू में भी पढ़ा था, अल्वीजिया लीवेक में भी पढ़ा है अभी, ठीक, और भी पढ़ा है, उन्हें अपडेट कर लेना उसमें। लास्ट यूज देखा जाए तो सबसे पहले तो फ्यूल वुड और फोडारा है, इसके बाद होस्ट फॉर लाक इंसेक्ट और एवेन्यू प्लांटेशन। लाख की का जो कीड़ा होता है वो लीव्स कंज्यूम करता है स्टार्टिंग में, जो उसका क्या बोलते हैं लार्वा जो होता है वो, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन देखोगे तो आपका लगभग सभी कैरेक्टर इसके कंप्लीट हो चुके हैं अपने। अब आता है नेक्स्ट होता है अल्वीजिया प्रोसेरम। मैंने बोला कि एक जैसे सब अल्वीजिया लीवैक होता है काला सीरीज, ये होता है सफ़ेद सीरीज, इनके कैरेक्टर लगभग सब कुछ सेम हो गए, लीफ फॉल वही होंगे, गर्मियाँ शुरू होती हैं इनकी लीफ फॉल हो जाती है, मतलब अप्रैल के टाइम पर नई लीफ खा पाएंगी जैसे मानसून आता है, वो उसके कैरेक्टर इसके कैरेक्टर लगभग सेम होंगे, तो इसमें बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पर अपना